दो बातें बिल्कुल तय है। हिमाचल प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार बन रही है, माननीय श्रीमती प्रतिभा शक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और इससे पूर्व हमारे भाई कुलदीप सिंह राठौर जी ने कांग्रेस की मजबूती के लिए जितना कार्य किया है और उस मजबूती के कारण आज मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर में आ रही है। किसान बागवान इस सरकार के विरोधी है, भाजपा सरकार के नौजवान विरोधी है, इस भाजपा सरकार के कर्मचारी विरोधी है, इस भाजपा सरकार के पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग आतुर है सरकार को बदलने के लिए। वजह क्या है? हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है, 1100 रुपए का सिलेंडर है, सरसों का तेल आपका कितना महंगा है, आटा कितना महंगा है, घर की रसोई चलानी मुश्किल हो गई है और उससे ज्यादा हमारा जो कर्मचारी वर्ग है वो इस सरकार को विरोध के कारण जो है, चाहे वो हमारा पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा है, चाहे एनपीएस का मुद्दा है, इनको घर फेंकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सिर्फ आपने इस यज्ञ में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर इनको पूर्ण हाथी करनी है और इनको विदाई करनी है। आप जानते हैं क्योंकि मौसम में 2012 से 17 के बीच में कितने काम हुए, आपका बाईपास बनकर तैयार हुआ, आपके ठियोग हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन हुई, आपके स्कूल कॉलेज कितने खुले, सड़कों का कितना निर्माण हुआ, हमारी ये जो प्राणा मंडी है, हमारे पास प्रकाश ठाकुर जी बैठे हैं, वहां के लिए कितना आपका जो है वहां के लिए बजट लाकर और आधुनिक मंडी दिया गया, कितने सीए स्टोर खोले गए और आपका बस स्टैंड जो एक मुद्दा होता था उसके लिए बजट लाकर बनाया गया, कुमारसर के अंदर में एसडीएम ऑफिस खोला गया, वहां के अंदर स्टेडियम बनाया गया और साथ साथ सब सीरों को अपग्रेड किया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी योजना 1134 करोड़ का हमारा बागवानी मिशन जो पूर्व सरकार में श्रीमती विद्या स्वरूप श्री वीरभद्र सिंह जी ने सैंक्शन किया था, सड़कों का निर्माण जितना हमारे पूर्व लोक निर्माण मंत्री श्री जयवीर काची जी राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ कैबिनेट में थे, हमेशा यहाँ से जो है हमारे यहाँ से सशक्त मजबूत नेतृत्व रहा है। और अब भाजपा ने पिछले 5 साल में इनसे पूछे कि एक काम कोई ऐसा बता दे जिसका शिलान्यास इन्होंने किया और उद्घाटन उन्होंने किया। और जयराम जी यहाँ मैं पीछे देख कर गया आया था, आज यहाँ देखा मैंने जयराम जी जो हमारी सड़कें बनी है उसका उद्घाटन करके चले गए, जो हमारे द्वारा बनाए गए यहाँ के कार्य थे उनको पूर्ण करके वही कुमारसन के अंदर में किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है पिछले काम भी हमने किए, अभी भी हम ये काम कर रहे हैं और आने वाला समय जो हमारा कांग्रेस पार्टी का है हमारे पास मजबूत नेतृत्व यहाँ सब इकट्ठे है, आप वो भ्रांति भ्रांति की भ्रांति अपनाने का काम करेंगे। भाजपा क्या काम करते है? ये जो है भ्रांति अपनाते हैं, हम काम की बात करते हैं, काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। ये जुमलों की सरकार है, जुमलों से आपने बचना है, ये धर्म के नाम पर जाति के नाम पर आपको बांटेंगे, आपने जोड़ने का काम करना है, कभी क्षेत्रवाद पे आपको तोड़ेंगे, कभी आपको धर्म के नाम पे तोड़ेंगे, आप एकजुट होकर काम करना है। आप देखिए हमने पिछले जो काम किए वो किए, कांग्रेस पार्टी 10 गारंटी को लेकर आपके बीच आ रही है, नौजवानों के लिए हमारे पास नीति है 680 करोड़ रुपया हम नौजवानों के बीच में बिना ब्याज के देंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में हम जो है अपने जो युवाओं के लिए उसको नीति को लेकर आए, बार-बार खुद तय करेंगे अपना मार्केट को, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके आपके कहने से जो है सेब आपकी मार्केट के लिए जाएगा, जो आप दाम तय करेंगे उस हिसाब से आपका सेब देखेगा, महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, 18 से लेकर 60 साल के जो है महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान किया है, युवाओं के लिए हमारे पास नीति है, बेरोजगार लोगों के लिए हमारे पास नीति है ना, सारी नीति लेकर हम सबके बीच हमारे प्रत्याशी कुलदीप सिंह राठौर जी आपके बीच में आए, आप अपना आशीर्वाद दिल खोल के दीजिएगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने खेवक कुमार सिंह का पहले विकास किया और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी जो है खेवक कुमार सिंह का विकास करेगी। और मेरे बहुत से बात है, पहले एक बात कहकर मैं अपना वाणी को विराम दूंगा,
हर घर से जहां दूध मांगे उनसे दूध जो कि खरीदा जाएगा, कांग्रेस सरकार बनते ही दूध खरीदा जाएगा, इवन आपका गोबर खरीदा जाएगा और आपको जो है उसके उचित जो है पैसा दिया जाएगा। तो हमारे पास नीति है, रोजगार है, इनके पास जुमले हैं, जुमलों से बचना है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, उसमें आपका योगदान देना, इस भाव में मत रहना। कांग्रेस की सरकार आ रही है, उसमें अहम योगदान देना। जब हम विधायक को जीता कर भेजेंगे भाइयों, तब विकास होगा ना। अकेले चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे दूसरी पार्टी से हो, एक पार्टी तो जाने वाली है, आपको पता है ना। और दूसरे आपके माध्यम में आएंगे, उनको आपने देख लिया। बगैर पार्टी के विकास नहीं होता। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, आप नोट कर लो, लिख लो। अब यह है कि किस बूथ ने हमारी कितनी लेकर ली जाती है। और मैं आज जिला अध्यक्ष होने के नाते कुलदीप और भी एक बात कहना चाहता हूं, जिस बूथ से हमारी लीड होगी उस बूथ को हम जो सम्मानित करेंगे, उनको कार्य जो प्राथमिकता के आधार पे होंगे। जो हमारा बूथ का लीडर वहां से लीड लेकर आएगा, उसको बकायदा या फंक्शन करके जो सम्मानित किया जाएगा, उनकी कार्यों पर जो है तहरीर दी जाएगी। सिर्फ आप अपने 18-20 दिन हमको दे दीजिएगा, फिर आपको जैसा पहले विकास हुआ है, जो अधूरे पूरे काम है, भाई कुलदीप सिंह राठौर जी के साथ, भाई के सी भाटी जी के साथ, हमारे ठाकुर साहब के साथ, राजेंद्र वर्मा जी के साथ, हम लोग संयुक्त होकर आपके कार्य को करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाने चाहते हैं। पर एक विश्वास, एक प्रतिज्ञा, जैसे हमारे नेहरू जी के यहाँ नेहरू मैदान मैदान के नाम से हमारे वीरभद्र सिंह जी, विजय स्टोक जी, ठाकुर साहब, सब को मायने रखते हुए आपने एक प्रण लेके यहाँ से जाना है कि हमने हर बूथ पे काम करना है, भाई कुलदीप सिंह राठौर जी को मजबूत करना है। भाई कुलदीप सिंह राठौर एक प्रत्याशी है, एक उम्मीदवार है, कोई इंद्र खेचे कोई करेगा, लेकिन आपने कुलदीप सिंह राठौर बनकर घर घर में बूथ बूथ में काम करना है। यह जिम्मेवारी हम सबकी सामूहिक है, आपके सारे काम पूरे होंगे। और भाई कुलदीप सिंह राठौर को हमने जिता कर भेजना है। ये कितने हम लीड लाते हैं, इसके लिए हम सबको अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी है, अपने आप की हमने सुनिश्चित करना है और भाई को हमने जिता कर भेजना है। बाकी अफवाहों में नहीं आना है।